बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। कि जो हमारी बायोलॉजी है उसके अंदर मेजर फील्ड्स की कौन कौन से हैं। ऐसे जो बायोलॉजी है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर फील्ड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट, कि एक जानदार का उसके माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि सिंपली रिलेशनशिप दिए गए कि वो प्रोड्यूसर्स का हो सकता है जैसे प्लांट्स हैं, कंज्यूमर्स का हो सकता है जैसे हम हैं, डिकम्पोजर वाला उसका रिलेशनशिप हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया हैं वो या फंजाई हैं वो डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टिल इट हैच्ड और बॉर्न। कि एक एम्ब्रियो को स्टडी करना तब तक जब तक वो हैच्ड हो जाए, जैसे मुर्गी का बच्चा वो हैच्ड होता है और बॉर्न जैसे इंसान का बच्चा वो पैदा होता है, उस वक्त तक जितनी भी स्टेजेस हैं एम्ब्रियो उसको हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? डिवेलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जायगोट टिल इज हैच्ड और बॉर्न। एक जानदार जो है उसका वो तमाम स्टेजेस जो जायगोट से लेके जब तक वो हैच्ड ना हो जाए या बॉर्न ना हो जाए तब तक जितने भी उसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं हम उसको उसके एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। तो उसको एम्ब्रियो की जो स्टडी है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि एक जानदार के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के उसके फंक्शंस को डिस्कस करना, स्टडी करना, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट, जैसे कि यहाँ पे दिए गए डिफरेंट हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इसी तरह उसके अंदर ब्रेन है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी स्टडी फिजियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। के ऑर्गेनिज्म्स के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को, उनके फॉर्म को स्टडी करना, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसको हम जनरली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिया गया एक फ्लावर है, मस्टर्ड प्लांट, उसका ये फूल है, उसके अंदर पेटल्स हैं, ओवरी है, ओव्यूल है, सेपल्स, ये उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, कि टिश्यूज को स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। एक ही जगह पे मुझे सेम सेल्स का मजमू जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं टिश्यू बनाते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स एपिथेलियल टिश्यूज हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एक जानदार के जो अंदरूनी अज़ा हैं उनको स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। जैसे कि हार्ट, सिंपल ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। जब मुख्तलिफ टिश्यूज सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे दे विल फॉर्म ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज पैलियोन्टोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन। कि फॉसिल्स को स्टडी करना और उसके एवोल्यूशन के साथ क्या ताल्लुक है इसको डिस्कस करना, इसको हम पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो आज से पहले जानदार थे चाहे वो करोड़ों साल पहले थे, उनकी जो आज बाकियात मिलती हैं वो बाकियात उनकी फॉसिल्स हैं। जैसे कि ये डायग्राम में दी गई, ये एक म्यूजियम में बाकियात पड़ी है। नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल एंसेस्टर्स थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं, कि पहले जिंदगी जो थी वो सिंपल थी, अब कॉम्प्लेक्स हो गई। अब इस सारे प्रोसीजर को समझना, इसको जिस ब्रांच के अंदर हम समझते हैं उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ये सिंपल नीचे जो डायग्राम दी गए इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन प्रोसेस, कि कैसे सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ लाइफ जो है वो मूव की है। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। के पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में खसूसियात का मुंतकिल होना कैसे होती है, कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, इसको हम जिस फील्ड में डिस्कस करते हैं दैट इज़ जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज जू जियोग्राफी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। जमीन के मुख्तलिफ रीजन में जानदार मौजूद हैं उनकी तकसीम को स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, जू जियोग्राफी कहते हैं। दैट्स अवर टुडे लेक्चर, थैंक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।